की जो ब्रिटेन में पढ़ाई करने के साथ साथ एक बर्गर शॉप पर पार्ट टाइम सेफ जॉब किया करते थे। काम के अंत में एक फ्री बर्गर उनकी मजदूरी का इनाम होता था। क्योंकि ये बर्गर वो रोज खाते थे तो उन्हें इसके एक जैसे स्वाद से चिढ़ होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने बर्गर को अलग अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा। और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। जिस देश में स्कूल के अंदर एग्जाम कराने के लिए न पेपर हो न स्याही हो, सोचिए उस देश की हालत क्या हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहाँ 1 किलो चावल 500 रुपए का है, 1 किलो शक्कर 290 रुपए का, और पेट्रोल का दाम आसमान की बुलंदियां छू रहा है 283 रुपए लीटर। दरअसल श्रीलंका की इस हालत के लिए तीन बड़े कारण हैं। पहला कोरोना, क्योंकि श्रीलंका के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से कवर होता था, लेकिन कोरोना की वजह से यहां टूरिज्म आना बंद हो गया, जिससे आर्थिक तंगी आ गई। दूसरा है, सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया, जिससे फूड प्रोडक्शन में कमी आ गई और अब पूरा देश भुखमरी से जूझ रहा है। और तीसरा कारण है